नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जिला मुख्यालय कांकेर में लगातार प्रकाशन के बाद रोड में हुए गड्ढे का विरोध करते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रैली व विरोध प्रदर्शन किया। अब देखना यह है कि क्या नेताओं की मेहनत रंग लाती है, शहरवासियों को राष्ट्रीय राजमार्ग के इन गड्ढों से छुटकारा दिला पाते हैं या नहीं। नेताओं ने रोड में हुए गड्ढे का कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस को वोट दोगे तो ऐसे ही रोड पाओगे, यह नारा लगाते हुए रोड को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया। मामला पक्ष विपक्ष का नहीं, यहां पर कुछ अनदेखी जिला प्रशासन की भी साफ नजर आ रही है, क्योंकि जिला मुख्यालय के रोड की स्थिति किसी भी समय जनता को मौत के मुंह में धकेल सकती है। अब देखना यह है कि रोड प्रशासन पहले की भांति मिट्टी डालकर रोड में लीपा पोती करता है या फिर उचित रोड का निर्माण करेगी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग को कुछ दूरी तक देखा जाए तो जहां पर नया निर्माण हुआ है उस हिसाब से निर्माण की गुणवत्ता को देखते हुए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की ज़रूरत है। शायद घटिया रोड निर्माण में अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में नजर आने लगी, क्योंकि रोड निर्माण के आसपास किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ तथा खत्म होने की तिथि का निर्धारित बोर्ड नहीं लगा हुआ, ना ही किसी जवाबदार अधिकारी का नाम किसी बोर्ड पर अंकित है। यह तो स्पष्ट रूप से विभागीय लापरवाही की ओर इशारा करती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।